हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरा किचन में बनेंगे एक स्वीट डिश जिसका नाम है गुलाब जामुन। इसको बनाना बहुत ही आसान है और कोई बिगिनर्स भी है वो भी घर पे आराम से बना लेंगे। और घर में कोई मिठाई बनाए तो उसको टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होती है क्योंकि दुकान से लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैकेट रेडी मिक्स गुलाब जामुन पाउडर लिया जिसको 160 ग्राम है। इसके अंदर एकदम रेडी मिक्स है। जो बिगिनर्स है उनके लिए बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी न्यू ईयर्स पार्टी में और कोई भी ओकेशन में इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं गुलाब जामुन तो वही दिखा रही हूँ। तो घर में जैसे बना सकते हैं तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ, हरी इलायची का पाउडर। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है। और मैंने केवड़ा वाटा थोड़ा डाल रही हूँ, 2 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच का 2 स्पून, 2 चम्मच डाल रही हूँ। और मैंने लिक्विड मिल्क से इसको डो बनाएंगे। आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं। मैंने लिक्विड मिल्क लिया जो हमारा हम लोग चाय बना के लिए इस्तेमाल करते हूँ, उसी मिल्क को मैंने यूज़ कर रही हूँ। इसको डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके ना, पाउडर को मिक्स करके एक डो जैसे बनाना है, जैसे हम लोग चपाती का डो बनाते हैं ना उसी टाइप का, लेकिन हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाना नहीं है तो इसको उतना सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसके मैं थोड़ा सा घी डालूंगी इसका फ्लेवर के लिए। मैंने 1 चाय का चम्मच का आधा चम्मच मैंने घी डाला, ज़्यादा मत डालिए। ज़्यादा डालेंगे तो इसको फटने का चांसेस रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालिए। और आप फ्राई करने का टाइम पे घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, घी से बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनते हैं। तो अभी देखिए मैंने डो को अच्छा से नीट कर लेंगे। स्मूथ डो बनाना है तब तो हमारा गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनेंगे। थोड़ा सा ऐसा नीट करने के बाद मैंने इसको लंबा करके इसको रोल कर लेती हूँ और उसका सर लेमन साइज छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। आप जितना साइज का, जितना शेप, जो भी शेप का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बनाइए। और मैंने ना शुगर सिरप पहले से ही बना के रखा क्योंकि वो तो बहुत ईजी है। जितना शुगर लेंगे उससे इक्वल क्वान्टिटी पानी ऐड कीजिए। 1 कप शुगर लेंगे तो 1 कप पानी उसमें डालिए। तो ऐसा ही मैंने 2 कप शुगर लिया, 2 कप पानी डाल के एक शुगर बना के सिरप बना के रखा। और अभी देखिए मैंने इसको राउंड राउंड शेप कर रही हूँ। आपको इसको क्रैक नहीं होना चाहिए, आउटसाइड बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, तब तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनेंगे। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होती है, घर में जब भी बनाएंगे तो इसको टेस्ट बहुत ही यमी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट, इसको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। इसको ऑयल गर्म करने के लिए मैंने थोड़ा रख दिया था। आप चाहे तो ऑयल का साथ 1 या 2 टीस्पून घी भी ऐड करके इसको फ्राई कर सकते हैं तो उसको फ्लेवर और भी अच्छा होती है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब देखिए इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम लोग इसको थोड़ा सा पलट देंगे। पहले स्टार्टिंग में स्पून मत डालिए, जब ये ऊपर आ जाएंगे ना, ऊपर आने का बाद ही आपको स्पून डालना, लेकिन बहुत सावधान से क्योंकि इसको टूटने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा से ये रेसिपी आपको करने का टाइम पे इसमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस टाइम पे स्पून जब डालेंगे ना तो बहुत ही हल्का हाथों से और इसको पलट देना है। चारों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, तब तो देखने में भी अच्छा होंगे और उसको अंदर से भी पक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लेके इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा करके इसको 10-15 मिनट लग जाते हैं इसको फ्राई करने के लिए। अब जितना साइज़ में बनेंगे, और छोटा साइज़ बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम फ्राई करना है, तब तो अंदर का बहुत ही अच्छा से पक जाएंगे, नहीं तो इसको कच्चा रहने का चांसेस रहते हैं। देखिए मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। आप देखिए मेरा जामुन एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। तो मैंने जो सिरप बना के रखा था उसके अंदर इसको डाल दिया। तो मैंने देखा इसको अच्छा से सिरप में डिप करना है। डिप करने के बाद इसको थोड़ी देर वेट करना है, जब अच्छा से सोख लेंगे सिरप ना उस टाइम हम लोग सर्व करेंगे। तो आप देखिए इसको अच्छा से इसको दबा देना है क्योंकि शुगर सिरप का अंदर इसको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखिए कितना यमी लग रहा है ना दिखने में। मैंने एक जामुन काट के आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा जूसी एंड यमी एंड इनसाइड बहुत ही अच्छा से पक गई है। अब देखिए बहुत ही अच्छा बना पाएंगे एकदम इंस्टेंट। जो बिगिनर है उनके लिए फेल होने का कोई चांसेस नहीं है। आप देखिए इतना यमी गुलाब जामुन रेडी है। एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।